अपने परमानंद गुरुदेव लीला पवित्र विष्णु पार्टी प्रज्ञा के सब संघ महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि माता संघ की पुष्पांजलि प्रिय सन्यासीगण ब्रह्मचारी वैष्णवी कल पूर्णिमा के दिन व्यास पूजा व्यास माने होता है विस्तार करना। व्यास जी का जन्म मथुरा में कृष्ण गंगा के पास में हुआ था। यमुना में एक टापू बन गया था, उसमें जंगल का हो गया था और लोग इस पार से उस पार में नौका से जाते थे। एक दिन पराशर ऋषि पराशर इस पार से उस पार जाने के लिए केवट को पुकारा। शाम हो गई थी, केवट थक गया था। उसने अपनी बेटी को कहा, बेटी किशोरी थी, बड़ी सुंदरी थी, रूपवती और गुणवती थी। असल में वो केवट की तो लड़की नहीं थी, एक परंपरा की लड़की थी, किंतु इसको उन्होंने पाला पोसा। वो अपने को भी केवट की लड़की समझती थी। केवट ने कहा, ऋषि पराशर ज्ञान है, बड़े प्रतापी हैं, इनको पार कर दो। वो लड़की नौका लेकर उनको बैठाया और इस बार से उस पार करने लगी। जब वो टापू आया जिसमें बड़े बड़े पेड़ और जंगल के ये सब जम गए थे, वहां आते ही पराशर जी ने उस लड़की की तरफ में देखा और देखते देखते क्षण में ही गर्भवती वो हो गई। क्षण वक्त में ही उसको देख बड़ा श्याम रंग का पीला सुपर पर जैसा युवा लड़का फायदा हुआ। पैदा होने के बाद में लड़की डर गई, मैं कुंवारी थी, अभी विवाह नहीं हुआ, हमसे लड़ता है लोग क्या करें। पराशर जी ने कहा, डरने की समय कोई बात नहीं है कुंवारी, तुम कुंवारी की कुंवारी ही रहोगी और ये लड़का साधारण नहीं है, नारायण का अवतार है, ये बहुत कुछ करेगा जन्म में, इसको अच्छी तरह से देखना। व्यास जी ने माता जी को प्रणाम किया और कहा, माता जी आप क्या मन को बुलाएगी, हम तुम्हारे पास में चले आए, कोई इच्छा होगी मैं पूर्ण कर दूंगा। इसके बाद में व्यास सुना से चले गए। ये व्यास जी नारायण के प्रति अवतार सत्यावेश नहीं होते, इतना ही उन्होंने लिखा है, काम किया है कि एक आदमी दस जन्मों की पढ़ करके उपलब्धि नहीं कर सकता। इतने ग्रंथ लिखे हैं, सब प्रथम उन्होंने वेदों के चार विभाग हरी शाम के रूप पढ़ा, एक ही पहले वेद था उसका चार विभाग किया। इसके बाद में समस्त वेदों की संक्षेप में 550 सूत्र किए जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ब्रह्म सूत्र माने क्या, ब्रह्म एक है, वही जगत का कर्ता करता है, जगत का सृजन संहार पालन करता है, वो सर्वगुण संपन्न है, वह एक है, निराकार नहीं आकार है,
एक साथी उसी का वर्णन करते हैं। ब्रह्मसूत्र कठिन था, समझना बड़ा कठिन था, इसलिए उसको समझाने के लिए पुराणों की रचना है। 12 पुराण, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 शाखा पुराण, 54 पुराणों की रचना की और तब उनको और भी बदलना चाहने के लिए, लोगों को साधारण रूप में समझने के लिए महाभारत की रचना की जिसमें गीता है। ये सब करके भी देखा कि मेरा चित्त तो संतुष्ट नहीं हो रहा है, मुझ में अभी कुछ कमी है। कमी क्या है मुझे मालूम नहीं हो रहा, चित्त क्यों नहीं प्रसन्न है। इसलिए उनके गुरु नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया, पूजा किया अपने गुरु को और फिर जब शांति से बैठ गए, नारद जी ने पूछा, तुमने तो समस्त प्रकार के धर्मशास्त्रों की रचना की, ब्रह्मसूत्र, वेदों का विभाग, सारे पुराण, महाभारत, उसमें गीता, सब कुछ किया, तुम खिन्न क्यों हो, असंतुष्ट क्यों हो। अरे तुम जी है मुझको पता, ये तो आप कहते हैं आप ही बतला। उन्होंने कहा कि ना मैं बतलाऊंगा, बतलाता तो हम ये, तुमने जो कुछ किया है महाभारत का पुराणों का, उसमें जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तर्क का वर्णन किया, धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, उसका पालन करने से धर्म होता है, धर्म से आर्थिक त्यागी आकर्ति शब्द पालन पोषण इत्यादि होता है और फिर इसे विरक्त होकर के भगवत उपासना करने से मुक्त हो जाता है। इसके बाद में तुमने कृष्ण लीलाओं का चरित्र का पाया नहीं किया, परिवंश पुराण में, महाभारत में और दूसरे पुराणों में कुछ कुछ लीला का वर्णन किया कि तुम तो अधिक नहीं लिया, क्या तुमने लिखा कृष्ण का जन्म मथुरा में आंशिक रूप में पूर्ण रूप में गोकुल में हुआ, घर घर में वो माखन परम ब्रह्म माखन चोरी करता था, उसकी मैया ने परब्रह्म होते हुए भी उसको गोकुल में बांध दिया, लड़कियां ले करके डरा नहीं मांगी उस परब्रह्म को जो विश्व ब्रह्मांड का रचयिता पालन करने वाला था, उसको लड़कियां ले करके रो रहा है, परब्रह्म रो रहा है, भैया मुझे मत मार, मुझे मत मार। क्या लिखा तो नहीं तो क्या हमने लिखा, ये इनके सखाए इनको कुश्ती में हरा देते हैं, बल में युद्ध में कृष्ण सुबह से नाम और उसके कभी कभी उनके कंधे पर वो चढ़ते हैं, उनके कंधे पर लिखा तो नहीं तो क्या तुमने रासलीला वर्णन लिखा, वो भी गीत लिखी लिखा, क्या तुमने लिखा कि कृष्ण स्वयं गोपियों की आराधना से संतुष्ट होकर के कह रहे हैं न पा रहे हम निज वर्ष लिखा पहली बोलू गोपियों में तुम्हारा जी नहीं चुका सकता, ब्रह्मा की आयु मिलने पर भी मैं नहीं चुका, तुम अपने आप अपने सदगुणों से मुझे प्रसन्न हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हारा ऋणी लिखा। फिर क्या लिखा, क्या लिखा, राधा जी की जितनी शक्तियां हैं, कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ राधा जी हैं,
रूप गुण और सब में और बाकी सब उनकी सहायता है लिखा रहा तो फिर गुरु जी मैं कैसे लिखू मैं तो जानता नहीं भक्ति योग से समाधि पढ़ो समाधि में देखो भक्ति योग माने क्या है कृष्ण मैं तुम्हारा मैं आपकी समस्त लीलाओं को जानना चाहता समाधि लगा कृष्ण द्रवित हो गए और उन्होंने अपना अपश्यम पुरुषम पूर्ण क्या देखा अपश्यम पुरुषम पूर्ण पूर्ण पुरुष को देखा पूर्ण पुरुष कैसे होगा उनके परिकर होना चाहिए उनकी माता पिता नंद जस होता है सखा लोग हैं गोपियां हैं उनकी समस्त लीलाएं जो चल रही है जन्म से लेकर अंत तक सब लीलाओं को उन्होंने साइक्लिक ऑर्डर में देखा और फिर देखा जो जीव भगवान का स्मरण करता है इस लोक से परलोक में जा रहा है और जो लोग भगवान को भूल रहे हैं भगवान का भजन नहीं करते वो ऊपर लोक से नीचे लोक में जा रहे हैं मृत्यु लोग और उनको बुढ़ापा जनवरण और बुढ़ापे का दुख जनवरण का दुख ये सब होकर सब देख करके और तब जैसे आवाज सूर्य में आया कृष्ण कर्म पुरुष से भक्ति युग पर जैसे इसके बाद में उन्होंने जो समाधि में देखा जन्म से लेकर के अंत तक वंश का ध्वंस करा करके अपना अंतिम गुरु वृंदावन में विजय किए वो सब को उन्होंने देखा हो जैसा जैसा हो लोगों के उपकार के लिए मंगल के लिए उनकी लीलाओं का वर्णन किया जो वर्णन किया किसी का नाम भागवत है दशरा भाई सूर्यवर्ण इसको प्रीति पूर्वक सुनने से क्या सुनने से इसका प्रतिपाद का विषय क्या है भागवत का कृष्ण स्वयं भगवान है और उनका प्रेम चेक यही प्रेम प्रयोजन है प्रेम नहीं होने से कृष्ण मिलने से भी कुछ लाभ नहीं प्रेम भी प्रयोजन है और वो प्रेम क्या दास सत्य वात्सल्य मधुर और मधुर में मधुरी गोपियों का भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है यही भागवत का प्रतिपाद है इसके बाद में उन्होंने किसी को अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित की सभा में इसका प्रथम अधिवेशन किया इसी के बाद में जगत का कल्याण होने के लिए करने के लिए भागवत में सर्वत्र गौ ब्रह्मानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण